बॉलीवुड के सिल्क स्मिता विद्या बालन इन दिनों अपनी फिल्म शकुंतला को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। जल्दी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। वह आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका ये किरदार सच में ही कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला से प्रेरित है, या फिर ये कहें कि ये उनकी ही कहानी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असली शकुंतला की कहानी। आपको बता दें कि मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी की संख्यात्मक परिगणना में गजब की फुर्ती थी और सरलता से उन्हें हल करने की क्षमता के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटर की गणना को भी मात दी थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदादिल महिला थी। शकुंतला देवी ने संसार में 50 से अधिक देशों की यात्राएं की और बहुत से शैक्षिक स्थानों, थिएटर्स और यहाँ तक कि टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। 27 सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित बो वेलिंगस द्वारा गणित में संबंधित पूछे गए सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देने के कारण सभी अचंभित हो गए थे। इनकी इस प्रतिभा से इनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में बढ़ती ही चली गई। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमता देखने को उस समय संसार में कहीं नहीं मिला था। विश्व में अपनी गणितीय कौशल की धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में पूर्ण रूप से शकुंतला प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के कठिन प्रश्न का सही उत्तर कुछ सेकंड में देखकर वहां उपस्थित दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको प्रसिद्धि तब मिली जब इन्होंने 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 28 सेकंड में निकाल कर उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। वर्ष 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डालस की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवेक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें केवल 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवेक नामक कंप्यूटर ने इस काम के लिए 62 सेकंड का समय लिया। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। मृत्यु से एक माह पूर्व वर्ष 2013 में इन्होंने मुंबई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल भी समर्पित किया। शकुंतला देवी का लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने के कारण और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर कर्नाटक में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।